एवरीवन, वेलकम ऑन दिस चैनल लर्न विद फन बायोलॉजी। सो नाउ डेज मैं एक चीज़ बच्चों के अंदर कॉमन देख रही हूँ और वो प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। स्पेशली बहुत सारे एस्पिरेंट्स मुझसे ऐसा पूछ रहे हैं कि नीट का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। सो इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करना चाहूँगी इस बात को लेकर, जितना मुझे अभी तक पता चला है ऑफिशियली, बिकॉज मैं बहुत सारे वीडियोज़ टॉपिक पर नहीं बनाती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है इट्स काइंड ऑफ द इररेलेवेंट टॉपिक, क्योंकि जब एग्ज़ाम होना होगा या नहीं होगा उससे पहले ऑफिशियल नोटिस आ ही जाता है। सो बिकॉज यू ऑल आर आस्किंग अ लॉट फ्रॉम मी, बिकॉज टेलीग्राम पे पूछ रहे हैं, यूट्यूब के कमेंट आ रहे हैं, अनअकैडमी की क्लासेस में पूछ रहे हो, तो बता देती हूँ एक बार क्लियर करके। सो सबसे पहली चीज़ ये आ जाती है कि आपके CBSE 12th के एग्जाम के बारे में बात करूँ तो इसके लिए दो बातें कही गई हैं। पहला ये कहा गया है कि आपके जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके पेपर होंगे, अदरवाइज और सब्जेक्ट्स के पेपर नहीं होंगे। दूसरा ऑप्शन ये रखा गया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे, तो डोंट नो, हो सकता है 2 से 3 दिनों के अंदर आपका ये डिसीजन फाइनल आ जाए कि किस तरीके से आपके CBSE 12th के एग्जाम होने वाले हैं। नाउ अगर मैं नीट और जेई के बारे में बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि बेटा नीट और जेई पोस्टपोन होगा, और ऐसा एक नए नोटिस में भी आया है कि नीट और जेई का एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन नहीं होने वाला है, एज वेल एज जैसे होना था अगस्त में वैसे ही होगा और बहुत जल्दी आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स भी आ ही जाएंगे। सो इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, और क्योंकि पता है लास्ट टाइम तुम लोगों ने बहुत सारा टाइम वेस्ट किया था पोस्टपोनमेंट के बारे में सोच सोच के, इस बार वो गलती करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर पढ़ाई, बाय बाय एंड टेक केयर। कोई और क्वेरी हो तो मुझसे पूछ लेना, इसलिए छोटा सा वीडियो तुम्हारे लिए बनाया है जिससे कि तुम्हें एग्जैक्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पता चल जाए।